क्षेत्र के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत विजयपुर स्थित अपूर्वा नर्सिंग होम की है, जहां बच्चे की मौत के बाद भी इलाज करने का आरोप लगाया गया है, जिससे हड़कंप मचा। वहीं बच्चे की मौत पर परिजनों ने काटा हंगामा। 1090 और 112 पर सूचना देकर भी कार्यवाही की मांग की गई। मृतक के पिता ने डॉक्टरों पर लापरवाही करने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं पर परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से बच्चे की मौत हो गई है। हॉस्पिटल में परिजनों से कई हजार की वसूली भी की गई है। हॉस्पिटल संचालक ने पैसे के लिए मृतक बच्चे का शव रखा था। इस मामले को लेकर सीएमओ विजयपति द्विवेदी सख्त हुए हैं, कहा कि जांच कराकर दोषी पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। नॉर्मल केस है, किसी का लड़का मर गया, आप वैसे छोड़ देंगे, तुरंत मोच के फेंक देंगे बारे गम साफ पर। अरे भाई साहब क्यों किए, हमको दिखाना चाहिए ना गम साफ कर रहे हैं, हमको कहना चाहिए ना कि बताइए हम साफ करते कि ना करें। एक भी बार ये नहीं बोले कहे कि आप भाई हम आ रहे हैं, तब तक ये पूरा कह रहे हैं कि कुछ सुनने नहीं, जान बूझ करके हमसे पैसा लेने के लिए ये लोग रखते हैं, अब पैसा चार्ज के लिए बस रखे हैं आप। यहाँ पर पहली कलर का हमारा मर गया, कितना पैसा आज हमको बताया गया, पैसा कितना लिए? हाँ आज तो नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को जी सर, है कि नहीं? आपको भी सर। में बच्चा मरा है सर, अपूर्वा नर्सिंग होम का ये बताया जा रहा है, सर इस पे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, क्या है इस पूरा मामला? डॉक्टरों के नेग्लिजेंस का मामला आने पर विभागीय जांच होगी, जांच में दोषी जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो जो सर नर्सिंग होम जिस तरह से चला रहे हैं लोग, कई घटनाएं हो जा रही हैं लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या वजह रही है कि अब तक कार्रवाई नहीं हो पा रही है? कितना पुराना मैटर है आप बता रहे हैं? ये आज का मामला है। आज का मामला है तो अभी तो हमारे सामने आएगा, हम इसकी जांच कराएंगे और जरूर पारदर्शी तरीके से हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या कार्रवाई हुई और क्या नेग्लिजेंस पाया गया।